टू माई YouTube चैनल. तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर. हम सुबह सुबह नहाने के लिए जा रही हूँ, बहुत लेट हो रहा है. जितना जल्दी हो सके नहा लें, मैं फटाफट बाल बांध देती हूँ. ड्रेस मैंने आज का आउटफिट निकाल दिया है और अब मैं जाऊँगी नहाने. अब आप सोचोगे इतना जल्दी नहाने की क्यों जल्दी लगी इसको, क्योंकि अभी हमें जाना है गाँव में जहाँ प्रीति को सीख देंगे. आज उनको ससुराल भेजेंगे, उनके ससुराल वाले वेट कर रहे हैं उनकी बहू रानी कब आए. और अब देखो वापस पता नहीं वापस कब आएगी, लेकिन एक शादी के बाद वो फूट मोड़े पे आई है तो उसको वापस आज ही दे देंगे. तो पता नहीं वापस हमारा कब मिलना होगा. तो आज हम फटाफट मिल लेते हैं प्रीति से. और अभी सबका खाना भी वहीं पे है टाइम पे. तो मैं फटाफट राहुल को उठा दिया मैंने. अब मैं राहुल मैं नहाने चल जाती हूँ. राहुल भी नहा लेंगे, तो नीचे चीकू और डिम्पल नहा लेंगे, छोटी मम्मी और मम्मी जी और निशा और पापा, वो चारों नहा के चले गए गांव में. क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारी रस्में हैं, जैसे पेई खुलाई की रस्म होगी और एक दो छोटी मोटी और रस्में, वो सारी हो करके कविता का आज जो भी मतलब यहाँ का रिचुअल्स है वो सारे पूरे करवा देंगे. और उसके बाद में प्रीति को सीख दे देंगे. तो अभी सबका खाना बन रहा है वहाँ पे, सबके सारी तैयारियाँ हो रही है. और अभी 11 बजे तक सारे जो प्रीति के ससुराल वाले जो मतलब BIG और वो सब आएंगे, तो सगा मिलने का प्रोग्राम होगा. वही मतलब BIG आपस में सारे जने मिलेंगे, बेस कामड़े देंगे और फिर प्रीति को पावना के साथ में उनके ससुराल भेजेंगे. हाँ जी, तो यहाँ पे ये सब समेट के रख दिया. हाँ. और पैकिंग चल रही है हमारी, ऑलमोस्ट हो गई है पैकिंग. तो वैसे ऑलमोस्ट कर दिए मैंने. हाँ, वहाँ भी हो चुकी है. तो चलें फटाफट नहा के निकलते हैं यहाँ से. नहा के निकलते हैं. मम्मा चप्पल सीधी कर दी. ये देखो एक पत्थर हो रहा है बाहर, वो रहा. देखो ये नीचे रह गया. ये बोल रहा है गिर गए थे, मैं वापिस रख रहा हूँ. तो आओ चलते हैं. और आज का सबसे बड़ी चीज, गाड़ी पेट्रोल पंप पे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी. नहीं मैं खोल रहा. तो गाड़ी देखो आज मैंने अब तक चालू नहीं की है, सब अंदर बैठे हैं, चालू करने वाला हूँ. रेंज देखो एक बार आप, यहाँ तो फ्यूल बिल्कुल नहीं दिखा रहा. एक बार भी नहीं है फ्यूल की जो लाइट है वो जल रही है और ऊपर 1 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है. पेट्रोल पंप है ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर. देखो रिवर्स गियर पहले डाल लिया, रेडी गाड़ी ऑन की और निकलो फटाफट, रुकने की जरूरत ही नहीं है. तो चलो क्या लगता है जी पहुंच जाएंगे? यहाँ के यहाँ से कितने किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप? 5 या 6. और ये 1 किलोमीटर बता रहा है. हाँ. अब मैं मशीन को भरोसा करूँ, मानसिकता को करूँ? गेट खोल रहा हूँ फटाफट. खुल जा बंद कर, खुल जा, इसको वापस बंद करके भी जाना है. इनकी टेंशन देखो और यार रेंज देखो बिल्कुल गायब, ना फ्यूल दिखा रहा है ना रेंज दिखा रहा है, बस एवरेज दिखा रहा है 15 का और कुछ नहीं. देखो इनका मुंह देखो कैसा हो रहा है. टेंशन नहीं होगी तो. कैसा जी? हमारा तो बहुत ज्यादा, देखो इनको पसीने वसीने उतनी क्या हालत हो गई थी इनकी. अब मैं गाना सुनाऊं? अब गाने सुनोगे? तो सांस में सांस आई इनको, रेंज दिखा रही है 500 के समथिंग. राज जी अब जीव सो रहा है, जीव सो रहा है. तो बात है ये, अब चलते हैं फटाफट प्रीति के पास. संगीत आया बाद में राहुल बोल नहीं सीखियो ने. हां 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 है बाबू, या बाद में कतो सीखी? डबल हो जाना इतना डबल. ये बताए अब आता संगीता सही है ना मारी?
कविता चुप यो जिया जिया दिन खा भी अभी अच्छा नई चीज सीख के बापू आई ना जगह ये दादी है तेरी ये बुढ़ी है कहीं तो बिन सिकाण खातिर मां डबल बोलनु पड़ी मैं तो राहुल ने बस फिर मोर दादी के ओ भाईयो की को मैं क्यों ताको पोतो है जानु को नहीं पहली बोल तो कोनी हो ना कोई कौन जाने कोई कौन जाने अब इंटरेस्ट नहीं अब वो छोड़ दियो इंटरेस्ट लाइक करू मैं थैंक यू थैंक यू सही है सही आंटी अबार क्यों मैं तृतीय पावन में किधर कौन ना देखो मार्गन में वो सग्गे कफ्ती कहीं ना बढ़िया इतना बढ़िया क्यों मैं पराई हूँ कहीं पराई कर दिया एकदम खास हूँ खास ना बढ़िया क्या बात मार तो मैं मजा करनी हो मैं क्या बात मैं तो सग्गे का क्यों यार सोच ले बाप सग्गियोड़ी मैंने सग्गियोड़ी एकदम इधर 20 साल रुपए डबल टेप कांटा कौन लगा दिया धीरे धीरे उतारनी है ए मार्केटो कतो काम करे मार्केटो तू करे कटे ब्रो ए काम तुम दिखाऊं बस मैं पूरे घर में अभी कहां डेरा डाला मेरे बच्चे ने अभी ऊपर नीचे बाहर अंदर कब्बू के पास आंटी के पास पता नहीं कहां का और हम खींच रहे थे फोटोज इसको देखो चिकू तो आगे पड़ जी मत बच्चा हां रुको देखो ढंग से देखो क्या है डिंपल हमारे मेहनत कर रहे हैं हाँ किसी ने क्या है जो बेस के साथ देते ना उनके डबल सेट टेप लगा के दिया ये गलत बात है ये तो हमारे कब्बू को फील नहीं होने दे रहे हम घर से घर पे ही आई है इसलिए देखो खुश देखो कितनी खुश है हाँ पूरे नानी जी की फैमिली है हर शादी में तो ला जाऊंगी कब्बू हड्डी की करा काई मैं आता करूँ कब्बू देखिए माय क्यों हाँ कबू यहाँ घूंघट निकाल त्यार मामा जी है बोलो इनके एक ही है और वो भी हाँ जी जो कितनी लकी है जेठ जिताने की जगह सीधे मामा भी यही मिल गए वही तो ये धागे का है फोटो जो सेम ओ यहाँ पे किलो काय खावे किलो तू बाजरे की रोटी और गुड़ का चूर तो मुकेश भी आ चुके हैं पहुंच चुके हैं हम दोनों खाना खा के फटाफट चलते हैं बाहर बैठते हैं उनके साथ में तो ये भी राहुल खोल रहे हैं और ये वाली चुनरी जो घर के बुआ जी होते हैं उन्हें दी जाती है तो इसको बोलते हैं थाम जूता ना थाम उतारो बाचा तो ये भी थाम खोल रहे दो साइड से खोल दिया दो साइड से भी और खोल रहे राहुल कविता के ससुराल से जो आए थे वो वापस निकल चुके हैं बोले तो नहीं पापा और सगा मिलने के लिए आए थे तो आगे जा रहा है भाई जो कि चला रहा है मुकेश वो गाड़ी भाई बेटा इस गाड़ी में पीछे बोल रहा हूँ इस गाड़ी की हालत देखो एक बार कैसी हो रही है मिट्टी वगैरह ये देखो सारे ग्लास साफ हो रहे हैं नॉर्मल कपड़े से पहुँचे तो पहुँच भी नहीं पा रहे हैं इसको धोनी ही पड़ेगी बात ही है और प्रदीप नस अच्छा पोस्टा देखो कि आज टाइम मिलियो पोस्टा को है सही बात है तो अब हम जा रहे हैं सिटी हमारे जो पास में बिल्कुल टाइम हो रहा है 3:26 बहुत सारे प्लान है और आज है दादाजी का बर्थडे ये हमने बताया नहीं था आपको तो केक लेके आएंगे बात ये दादाजी को खिलाएंगे केक फिर देखते हैं क्या क्या होता है आगे और हम जा रहे हैं केसर बुआ जी के घर पे जिन्होंने नया घर लिया था हमने देखा नहीं है अभी घर कैसा है तो इनको ड्रॉप भी कर देंगे और घर पे भी जाएंगे ऐसा सीन है अभी तो आते हुए और काम भी हो जाएगा हमारा फिर चाबी देने के लिए बोला है और मैं पहली बार जा रहा हूँ कब्बू के आने के बाद अरे लो कब्बू जी आपके लिए क्या भेजा है रखो जी इतने सारे लोग जा रहे हैं हम लोग देखो कितने लोग बैठे हैं ठीक है हम दो आगे ये तीन मम्मा कीड़ू तो कहाँ बैठी है देखो कीड़ू हवा में ये हर बार कीड़ू का नंबर ये आता क्योंकि सबसे छोटी यही होती है हमारे चीकू से भी छोटी है चीकू ही पीछे बैठा वही तो अब हम सब जा सिटी हमारे बुआ जी घर पे और आते टाइम केक लेके आएंगे क्योंकि दद्दू का है बर्थडे
बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। हाँ जी, तो चलो 80 साल के, तो चलो फटाफट चलते हैं। तो ये है मेरी बुआ जी का घर, हमने देख लिया, काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने, जस्ट अभी तैयार हुआ ही है, तो छोटे मोटे चीज़ें बाकी है। और ये भी इन्हीं का ही है, इतना बड़ा प्लॉट, गाय भैंसे रखते हैं, सबसे अच्छी चीज़। उससे बड़ी चीज़ हमारे धनुड़ी दिख रही है, क्या मस्त लग रही है देखो। तो बस हम लोग निकल रहे हैं। हाँ, उसमें से कौन सी बेंच चाहिए आपको? हाथ में भी बताओ। ये बेंच है, ये अच्छी लगी, ये अच्छी, मेरे को तो ये अच्छी लगी। चलो निकलते हैं, अब हमारे साथ शिव जाएगा साथ में। चलो शिव आ जाओ। One eternity later, तो हम वापस आ चुके हैं गांव में, उसी रास्ते पे हमारे अजीब बैठे हैं और हम बैठे हैं। किड़ू देखो वहाँ उड़ते हुए जा रही है, वो हमसे पहले पहुंच जाएगी देखना। अभी जो ये भगाती है लड़की गाड़ी, जो भगाती ऐसे नहीं भगाती, हाईवे हाईवे पे फिक्स है 60-70 उसकी लास्ट। पर ये खड्डे वड्डे और ये जो भी ऑफरोडिंग होती है ना, वो देखो कैसे जा रही है। उसमें आ गई जेसीबी। आ जाओ चलो। और पता है एक चीज बताऊं आप लोगों को, मेरे को किड़ू को विश्वास नहीं हुआ, ये केक पता कितने का है? रुक जाए एक बार, इतना बड़ा केक है ठीक है, यहाँ पे यही मिला सिटी में, कितने रुपए का ब्रो? 160 ओनली। मैं भाई 500-350 मान लो, मिनिमम 350-400 था, ये कहाँ से आ गया 160 का है यो? और इन कितनी बार बताऊं इनका, तो चलो यहाँ पे खाया हुआ है, पर मैं 160 में केक, सीरियसली स्कूल टाइम पता है, मैंने दो बार फोटो मंगवाई, वीडियो कॉल करके देखा, मैं इतना सा नहीं हो कहीं, उसको पूछा तो पता क्या बोलता है, बोला आधे किलो का है, अंदर से पूरा ब्रेड है, पाउंड में बता देता कितने पाउंड का है, वो किलो बता रहा, आधा किलो है, आधा किलो है क्या? आधा किलो वो नहीं पता होता, वो पाउंड वाउंड क्या है, नहीं आधा किलो तो नहीं है, पर फिर भी बड़ा है। चलो जैसा भी है, मतलब सोचो अगर मेरे अड़ी तो तू गई, ये ले क्या करेगा, अब अगर अड़ी ना तो सच में गई, ये ले क्या करेगा, ये ले क्या करेगा, मम्मा लात के टोके आ बेटा, आ वीडियो पक्का ना को YouTube पर, चाहे कुछ भी हो जाए देख लो, मैंने कहता नहीं कितनी शरारती है, पकड़ लिया ना आज हमने, आ जाओ। स्लो मोशन है यार, ब्रो अभी देख रहे और कहीं ब्रो, और कुछ उसमें 5 डब्बे चूड़ी के, हम तो ऐसे 14 पोशाक पहनी मैंने, उसके हिसाब से जचा के लाई हूं, जिमन नावते लड्डू रखे, हां और गाओ जेड़ू बचो इन तो बका लियो, कहीं हो जा खोल के देख रहे हैं, सोचो रंग गए हो का फ्रूट सूट से हैं ब्रो, और बता तो बे जूता, ये नाश्ता है शर्मो, बे शर्मो बार बर्थडे था ही पाची ब्रो, अब रास्ते में चाहिए मतलब जो हम सामान ले जा रहे हैं उसको खोल खोल के निकाल, मम्मा माँ को सबको सामान भेज दियो, जूस का हम लोग तो पागल है, जो हम थैली में डाल डाल के किस स्पेस का मोर इधर झुकते हैं, ये इनमें आ रहे हैं, कौन सा तरीका है, हमारे पापा। हाँ तो इनके शूज देख लो, 4 जोड़ी, हाँ तो 10 दिन रहेंगे, हम तो सिर्फ इसमें आए और एक वो चप्पल, अरे हम तो हमें पूरी शादी स्लीपर से कर ली, और इधर 5 जूतों के डब्बे, हम तो हमें आप लड़के पाल रहे हैं, तो यहाँ चल रहे हैं फवारे, कितने प्यारे लग रहे हैं देखो, पूरे खेत में चाचा जी आए हैं, दादा जी बर्थडे का केक काटेंगे, दादी जी, दादी जी, आंटी आंटी आंटी।
hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. टाइम हो रहा है 6:36, 6:30 हो गए हैं, सनसेट भी हो चुका है, नज़ारे का मज़ा लिया जा रहा है और वहाँ अब सब चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, केक वेक सबने खा लिया है, सेलिब्रेशन हो गया है, तो तुमने सबको रिटर्न गिफ्ट्स भी दे दिए। हाँ जी, और पीछे देखो फवारे चल रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं सोचो। इसके पास पता है बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवानी थी, अभी रातों खिंचवाई हमने, बाकी जब सनसेट होता है ना हल्का सा, जब सूरज बढ़ता तब फोटो लेते हैं तो और अच्छी फोटो आती है यहाँ पे, उस टाइम बहुत अच्छी फोटो आती है, अभी भी अच्छी आई है नो डाउट। और एक चीज़ और, तीन तीन गाड़ियाँ खड़ी है, ये गाड़ी हो चुकी है पूरी पैक, टॉप बॉक्स एकदम फुल हो चुका है, पीछे से गाड़ी पूरी फुल है, दो जो पायलट सीट है वो एकदम खाली पड़ी है। तो हम कहाँ जा रहे हैं अभी, और खुशी देखो ससुराल, बीते दिन आपके मायके थे और मैं ससुराल में थी, अब आप जाओ ससुराल और मैं मायके जाऊंगी। हाँ जी, अभी हम जा रहे हैं मेरे ससुराल, ठीक है, और बाकी कीड़ी पापा मम्मी और दादाजी चार जने बैलून लेकर निकलेंगे सुबह सुबह जयपुर के लिए, ठीक है, जब अर्ली मॉर्निंग में निकल जाएंगे तो हम इन सबको यहीं से बाय कर देते हैं। इनका जितना भी सामान था, जितना भी चिन्ना सा बचा है उनके बूट में आ जाएगा, बाकी सारा मैं इस गाड़ी में डाल चुका हूँ क्योंकि हम दो ही हैं, ठीक है, और कोई है नहीं हमारे साथ में, तो पूरी गाड़ी में लोड कर दी है, ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा बाहर से ही, पीछे एक बंदा क्या, एक बच्चा तक नहीं बैठ सकता, बोले तो। हाँ बच्चा, फोटो खींच रहे हो, तो चीकू भी नहीं बैठ सकता, पता है, ये देखो पूरा देखो कैसे पैक हो रखा है, ठीक है, गेट खोलते सारा सामान बाहर ऐसा पैक किया है, टॉप बॉक्स भी बिल्कुल 100% फुल हो चुका है, ये दो सीटें देखो एकदम खाली है, तो हमें कोई इशू वाली बात नहीं है, हम आराम से चले जाएंगे, ये वाली बात है। तो गाड़ी से लाइट कर दी है मैंने ताकि सब लोग बैठ जाएं, और ये बंद हो चुकी है, वापस स्टार्ट करनी पड़ेगी मुझे, तो सब वापस निकल रहे हैं और हम दो भी निकलेंगे अभी, बात है ये। तो इस गाड़ी को भी सेट कर दिया, किड को मैंने दो तीन चीज़ें बता दी, इंस्ट्रक्शन दे दिए, सुबह जाना तो आराम से जाना है वो वगैरह। तो ये देखो, ये सारे देखो नाइट विजन कैमरे में कैसे दिख रहे हैं देखो, तो ये सबको बाय कर दिया हमने। और हम निकल रहे हैं मेरे ससुराल के लिए, तो हाँ जी, ऑफ वी गो। माओ वेट कर रहे हैं, शिव पीछे कर रहे हैं गेट बंद, राहुल रुके थे लेकिन तुम्हें शिव पीछे से आ गया तो शिव गेट बंद कर रहा है। सामान तो मैं, ये देखो सामान, पूछो ही मत, मैं कौन, कोई कहे ना लाख रुपए दे रहा हूँ लिफ्ट दे दो, भाई लाख रुपए रख ले, दो लाख रख ले, हमारे तरफ से और रख ले, लेकिन सीट नहीं है भाई, सीट नहीं है, क्योंकि मम्मी वाला भी हमारा वाला लगभग ऑलमोस्ट सारा सामान लिया है, वो कल बहुत इजीली लाइट वेट बैठ के आराम से जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम वो इतने भरे हुए थे, भरे हुए तो हम भी थे, मेंबर थे, हम मेंबर थे पिछले बार, हम चार जने थे, छोटी गुड़िया थी, भाभी थी, तो उसके चक्कर में भाई आराम से वो बैठ पा सके, इसलिए हमने उनके लिए जगह रखी थी, सर कोई नहीं है बस हम ही है, उसमें हम इतना भर भर के सामान लेके जा रहे हैं, और हम जाएंगे सीधा माओ के पास मिलने, तो अभी माओ को कॉल कर देते हैं कि माओ हम निकल चुके हैं यहाँ से, और माओ ने सब्जी वब्जी तो बना दी, अब जाएंगे बस रोटी बनाएंगे मम्मा और हम खाना खाएंगे और सो जाएंगे। और शादी बड़े अच्छे से गई हमारी, हाँ एंजॉय कर लिया, मेरी तो ससुराल की पहली शादी थी जो मैंने इनके साथ देखी, शादी करके मतलब मेरी एक साल कम्प्लीट हुई उतने में मैंने एक शादी देख ली है, और देवरानी एक साल के अंदर अंदर हम लिया है, ठीक है, वो भी जानकार, मतलब मेरी तो मतलब ये है ना, पहले से मेरा मामी और नानदी का बॉन्ड था ही, अब देवरानी जिठानी का भी हो गया, बट हम देवरानी जिठानी वाली चीज़ें नहीं रखेंगे, हम मामी नानदी ही रखेंगे लाइफ टाइम, ताकि उसके लिए भी अच्छा रहे, मतलब वो कंफर्टेबल हमेशा से हमारे साथ उस रिलेशनशिप में, वो अच्छे से बात करती है, सब कुछ है, तो ठीक है मेरे लिए वो अच्छी, हाँ, और ये जेठ जी किसी भी वे में नहीं लगते, ये उसके मामा है, तो उसके लिए उसके मामा ही रहेंगे हमेशा लाइफ टाइम, ताकि वो इजीली हमेशा इस इनसे बात कर सके, हम कहीं सब लोग साथ में बैठ के, उसको ये कभी ना फील हो कि भाई मैं ससुराल में, उसको हमेशा मायके वाली ही फीलिंग आएगी यहाँ पे हमारे साथ रह के,
हमारी तो पूरी फैमिली के साथ उसको यही आएगी, ओवरऑल सबके साथ यही है। तो चलो फटाफट सीधा घर चलते हैं। तो यार ये इतनी प्यारी रोड 70 के आसपास क्रूज कर रहे हैं, 73 के आसपास, और आगे देखो इसमें कांस्टेंट है ना, पूरे में पेड़ है, पूरे पे दोनों तरफ पेड़ है। और क्या परफेक्ट रोड है यार, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, रियासा आईफिल टावर दिखता है, इतना पता है मुझे। अभी नहीं दिख रहा रात को, बात है ये क्योंकि आईफिल टावर पे लाइटिंग नहीं हो रखी अभी। हां आईफिल टावर पे लाइटिंग नहीं हो रखी, और बाकी देखो कितने दूर तक स्ट्रेट बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है हमें, तो बात है ये। तो जी मैं तो खोल के बैठी हूं, क्या जी और देखो नजारा पार, इसलिए हां इन्होंने ये सनसेट उतार दिया है, ठीक है पीछे रख दो उसको, धूप तो है ही नहीं। अब पेड़ देखो कितने प्यारे दोनों तरफ नीम के, और देखो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल गाड़ी देखो कितनी साइलेंटली चल रही है। तो हम कहाँ हैं जी? मेरे मायके, मम्मी ने पोल तक खुला रखा गेट का, गेट नहीं चला, गेट भी खुला छोड़ा, बस पार्किंग में डायरेक्ट गाड़ी जानी है। देखो वो रहा हमारा घर और हम पहुंच चुके हैं, और इनकी स्माइल देखो, देखो कैसे देख रहे हैं, मम्मी कहाँ जाओ, मामा कहाँ जाओगे? तो चलो सीधा अंदर मिलते हैं मामा, सीधी साइड। तो खाना खा रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है फटाफट खाते हैं फिर मिलते हैं। The next day. तो सुबह हो चुकी है, लेकिन मौसम देखो बारिश आई थी रात को और बारिश आने वाली है, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। सुबह सुबह हो चुकी है, मैं चाय वाय पी चुकी हूँ, और राहुल मेरे कर रहे ऊपर पाते रहा है गाजर का हलवा, वो भी चूल्हे के ऊपर। तो ये खोल रहा है अच्छी वाली आंच पे, अभी थोड़ी देर में हलवा भी बन जाएगा। टाइम हो रहा है 2:47। और आप क्या कर रहे हो जी? कबूतरों के लिए मतलब जो भी दाल वगैरह, और इन्होंने देखो आज क्या पहना है, इन्होंने देखो आज क्या पहनना है, हवा लग रही है इसलिए। हाँ आज सुबह बारिश हुई थी हल्की सी, और अभी भी मौसम देखो बहुत भयंकर हवा चल रही है। क्या लेके आऊँ? पीपी ले आऊँ, पीपी मतलब मेरी गाड़ी। हाँ हाँ मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, हम दोनों निकल चुके हैं, बस यहीं पास में ही जाना है हमें, बस थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी है हमें, बात है ये। चिन्नी बहुत करनी है, चिन्नी बहुत। वो कितना बड़ा बर्ड देखो, ये उल्लू है, ये उल्लू। अरे वाह देखो कितना, हैरी पॉटर की याद आ गई मुझे तो, सच में हैरी पॉटर कितना बड़ा उल्लू है ये। वाह ये पहली बार देखा मैंने लाइफ में इतना बड़ा, मैंने भी पहली बार। हाय डरना मत, डरना मत यार, इतना बड़ा उल्लू। हाँ ये इतना बड़ा उल्लू है, पक्का उल्लू है ये मुझे उल्लू ही लग रहा है। नहीं हाँ है उल्लू ही, उल्लू 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 है, उसकी चोंच वैसी है ना, कितना बड़ा है, कोचल्डी जैसी, कोचल्डी बोलते हैं। कलर वाला फेड हो गया ना ज्यादा बड़ा होके, और तो अजीब सा हो रहा है थोड़ा सा, देखो कैसे चल रहा है। वाओ ये उल्लू है। मतलब उसके पास जाके उस उल्लू की फोटो खींचने के लिए गए हैं, उसके पास धीरे धीरे चल के बेचारे यहाँ से काफी देर तक गए गए, अब वॉक करके जाऊँ, अब वॉक करके जाऊँ, और वो आगे आगे उड़ा जा रहा था, वो फाइनली मतलब मेड़बंदी के पास बैठ गया तार के पास में, कहीं नहीं उड़ रहा है, और अब फोटोज खिंचा रहा, देखो बाकायदा राहुल खींच भी रहे अच्छे से उसकी फोटोज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पता है क्या है? हाँ वो उड़ नहीं पा रहा ना, तो दर्शन हमने कर लिए हैं। तो टाइम हो रहा है 6:29, और मौसम है कुछ ऐसा, हवा चलती पूरे दिन से ठंडी ठंडी, आज तो धूप भी नहीं आई, और हमारी वाइफ ही और लाइट भी नहीं आएगी। हाँ जी और सुबह से ही नहीं है, सुबह से नहीं आ रही। हाँ जी तो हमें तो कोई इशू नहीं है, इन्वर्टर लगा हुआ है, बड़ी चीज़ ये है, और वाइफ ही आज बना रहे हमारे लिए खिचड़ा,
बनता उसका फेवरेट फूड है वाकई में जो नॉर्मली सिटीज में बनाते हैं हम लोग, ये है मेन डिफरेंस और सच में फर्क आता है, रात दिन का फर्क होता है, कलर में भी फर्क होता है, कलर में डिफरेंस होता है। अभी हम सामान थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं ताकि थोड़ा यहाँ से भी सामान हो रहा है वो हम ले जाएं, खाने पीने का है थोड़ा सा। ओके, और आप देख सकते हो बारिश स्टार्ट हो गई है इस लाइट में, देखो एक सेकेंड, ये देखो बूंदाबांदी दिख रही होगी आपको, हाँ अब दिखिए तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है और ठंड होने वाली है अच्छी खासी। टाइम हो रहा है 9:48 अभी, तो सुबह हम निकलेंगे। हाँ जी मोटू जी, हाँ जी, हाँ जी, तो फटाफट रीअरेंज करते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है। ये मेरी ओवरऑल जर्नी थी मेरे गांव आने की, हम लोग सबके साथ इंजॉय करने की, मम्मा से मिलने की। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और लास्ट में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप सबको बाय।